हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा। फिर एक नए डीआईवाई के साथ आज हम बनाएंगे टेबल। तो मैंने ये दो कार्टून लिए हैं, खाली एक ही साइज के हैं ये। अब इन्हें हम पहले टेप की हेल्प से चारों तरफ से चिपका के सिक्योर कर लेंगे पहले एक एक कार्टून को, ताकि ये कोई भी जगह से खुले ना। ऐसा आप ब्राउन टेप ले सकते हैं थोड़ा वाला, और उससे इसे चिपकानी है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे टेप लगा के सिक्योर कर लिया। और अब हम इसे दोनों कार्टून्स को ऐसे इक्वल रख के, और फिर इस पे हम टेप लगाएंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हम इसे चारों तरफ से अच्छे से टाइटली चिपका देंगे टेप की हेल्प से। अब हम व्हाइट सीमेंट या पीओपी के में पानी डाल के उसे पेस्ट की तरह बना लेंगे, और फिर हम उसे इसके ऊपर लगाएंगे। अब किसी भी चीज की हेल्प से इस पूरी टेबल को हम ये सीमेंट या पीओपी से कवर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी की चारों साइड्स को कवर कर देंगे, और उसे तब तक छोड़ देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता। जब तक ये सूख रहा है, इस तरह से हमने इस पे लगा दिया है चारों तरफ पीओपी, और अब ये सूख रहा है, तब तक हम इसकी आगे की प्रिपरेशंस करते हैं। ये हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, इसके ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे टेबल की जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने मेजरमेंट के लिए ये एक प्लेट ली है, और इसके ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ करी ये। उसके बाद हमें इसके अंदर सर्कल और ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप चाहें तो छोटी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या और भी कोई चीज़ जिससे आप इसे मेज़र कर सकें। सर्कल के अंदर हम एक और छोटा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, करीब एक इंच के डिस्टेंस को लेके, और हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम स्केल की हेल्प से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक व्हील का डिज़ाइन होता है, उसी तरह से एक व्हील के डिज़ाइन की तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। जितनी चौड़ी ये स्केल है, इतनी ही चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ। इस तरह से। और अब हम इन पार्ट्स को कट करके निकाल देंगे, और हमारा इस तरह से सर्कल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम फोर सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम उस पर ये पेंट से पेंट कर देंगे। अब हम इसकी वन साइड, क्योंकि वन साइड पेस्ट हो जाएगा हमारा, इसलिए वन साइड हम इसकी ऐसे पूरे पे ब्लैक पेंट कर देंगे। इस पेंट को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसमें शाइनिंग अच्छी रहती है। हम इसके अंदर की एजेस पे भी अच्छे से कलर कर देंगे। इसी तरह से हम जो हमने चारों सर्कल्स काटे हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर इसी तरह से हम पहले ब्लैक पेंट करेंगे चारों पे वन साइड। अब इस ब्लैक कलर के बाद हम इस पे गोल्डन पेंट ऐसे ही रफली कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे सर्कल्स में भी करेंगे। ये हमने पेंट लिया है जिससे हम दरवाजे और खिड़की पेंट करते हैं, नैरोलैक का ब्लैक पेंट, और इससे हम इसे पेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने अभी इतना इसे पेंट कर लिया है,
और ये लिया हमने गोल्डन पेंट, और इसे हम एक रफली से एक टेक्सचर देने के लिए इसके ऊपर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे लाइंस प्रॉपर पेंट कर दे रहे हैं, ऐसे ही कर देंगे। ये इस तरह से हमने रेडीमेड ये स्टैंड कह सकते हैं या जो भी हम इसे टेबल के नीचे लगाएंगे, तो इसके लिए हमने ये फोर लिए हैं और ये हमारी टेबल का कंप्लीट लुक है। तो इसे अगर हम पहले लगा लेते हैं इन स्टैंड्स को तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर फिर भी ट्राई करते हैं इसे अभी लगाते हैं और उसके बाद फिर आपको इसको एक कंप्लीट लुक देते हैं। ये हमारी टेबल का कंप्लीट लुक, इसके साइड में मैंने कुछ फ्लावर्स लगा दिए, एक कैंडी का बॉक्स और कोस्टर रखा है। इसे मैं अपने बाद में सोफा के साथ सेट करूंगी, फिलहाल मैंने इसे कॉर्नर में इस तरह से एडजस्ट करा है। तो आप लोगों को कैसा लगा इस टेबल का लुक प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और पास में ही एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जब भी हमारा वीडियो डाउनलोड होगा अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।